नशे के सौदागरों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एसओजी और इलाका पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गैंग का किया पर्दाफाश। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 शातिर तस्कर किए गिरफ्तार। गांजा तस्करों के कब्जे से 20 किलो गांजा, 2 अवैध तमंचे, 7 कारतूस, 1 टाटा सफारी गाड़ी की बरामद। गिरफ्त में आए गांजा तस्करों पर दर्ज हैं कई आपराधिक मामले। थाना साहवर क्षेत्र के चांडी तिराहे के पास से किया गिरफ्तार। यूपी उत्तराखंड न्यूज 24/7 के लिए कासगंज से फई मख्तर की रिपोर्ट। पुलिस को बहुत ही अच्छी सफलता मिली है। हमारे जो थाना साहवर पुलिस और मेरे एसओजी टीम दोनों संयुक्त रूप से जब सुबह 8 बजे चंडी तिराहा के यहाँ जब चेकिंग कर रहे थे, एक 5 लोगों के एक सदस्य जो है वो एक गिरोह पकड़ा गया। एक बहुत ही शातिर गिरोह है, इनका नाम है गलवा पुत्र नरदा, ये निवासी बुलंदशहर के हैं। फरमान पुत्र सोनपाल कासगंज के, मुकीम पुत्र वंशी फिरोजाबाद के हैं, फिरोज पुत्र तोतिया जो कासगंज के हैं, और रंजीत पुत्र पप्पू ये भी कासगंज के हैं। इसमें इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे भी हैं और अन्य जिलों में ये वांछित भी है। जैसे ये जो फिरोज है ये करीब 2010 से सक्रिय है और कई बार जेल भी गया हुआ है। इनके ऊपर अभी तक हमें जो पता चला 18 मुकदमा है और बाकी हमारे जो अन्य जिले हैं उसमें वांछित भी है। एक कलवा है उसके ऊपर 9 मुकदमे हैं और अन्य जो लोग हैं एक और मुकीम है उनके ऊपर भी अभी हमें पता चल रहा है कि करीब 15-16 मुकदमे हैं। जो भी आपराधिक इतिहास है आपको विदित कराया जाएगा। सर, इसमें जो कार्रवाई की है इन लोगों क्या पुरस्कार की घोषणा की गई है? मेरे तरफ से जो भी टीम ये बहुत ही अच्छी सफलता जो पाई है उस सभी टीम को 25,000 की मैं इनाम घोषित कर रहा हूँ। और मौके पे हमें एक टाटा सफारी जो बिना नंबर प्लेट की है वो हमें बरामद करी है। उसके अलावा जो तमाचा जो 315 बोर के हैं, 7 जिंदा कारतूस, और उसके अलावा जो ये अभी हम जो ये जो पदार्थ ये जो मादक पदार्थ के विरुद्ध जो अभियान चला रहे हैं उसमें उसके इसमें भी इनके पास से हमें करीब 20 किलो गांजा हमने बरामद कर लिया है। और ये बहुत अच्छी सफलता है, इसलिए हमारे जो टीम काम किया है इन सभी को 20-25 हज़ार के इनाम घोषित कर। थैंक यू।